Hi friends, welcome to TCA full computer course in Hindi and you are watching New Creative Activity. आज मैं आपको बताने वाली हूँ how to open MS Word, यानी MS Word को किस तरह से open किया जाता है. Part 24 में मैंने बताया है MS Word क्या है. अगर आप Part 24 का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करती हूँ MS Word को ओपन कैसे करते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको तीन तरीके से एमएस वर्ड को ओपन करना सिखाऊंगी. पहला तरीका है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और अल्फाबेट पे क्लिक करें, यानी कि जो एबीसीडी लिखा होता है, तो अल्फाबेट का चार्ट ओपन हो जाएगा. यहाँ से आप डब्ल्यू पे क्लिक करें, यहाँ से वर्ड ओपन हो जाएगा. वर्ड है, वर्ड पे क्लिक करें, अब वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है. चूंकि मैं आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट 2016 के वर्जन में बताने वाली हूँ, इसका विंडो कुछ इस तरह से ओपन होता है. ये जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ पे आप नीचे क्लोज बटन पे क्लिक कर दें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें. ये देखें, ये आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है. इसे मैं क्लोज कर रही हूँ. अब मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको कि वर्ड कैसे ओपन करते हैं. यहाँ पे आप सर्च बार देख रहे हैं, इस सर्च बार पे क्लिक करें और वर्ड टाइप करें. सिर्फ डब्ल्यू ओ आर मैंने टाइप किया और यहाँ पे वर्ड 2016 शो हो रहा है. यहाँ पे जाके क्लिक कर दें या फिर एंटर प्रेस करिएगा तो भी हो जाएगा. सेम है, देख रहे हैं आप, वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन होता है. यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेटेड वीजा, ठीक है, इसे आप क्लोज कर दें, इसे कुछ नहीं करना है. और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है. फिर से मैं क्लोज कर रही हूँ. अब तीसरा तरीका है, रन टाइप करें. मैंने रन टाइप किया, यहाँ पे रन आ गया, इस पे इंटर करें और ये जो आपको दिख रहा है ओपन, यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप विन वर्ड टाइप करें. डब्ल्यू आई एन डब्ल्यू ओ आर डी, विन वर्ड मैंने टाइप किया. आप एक चीज का ख्याल रखें कि इसमें जो भी वर्ड आप टाइप करेंगे वो सभी स्मॉल रहेगा, इसमें एक भी लेटर कैपिटल नहीं होना है. कैपिटल अगर रहेगा तो ये नहीं लेगा, इसलिए सभी स्मॉल होना है. ये मैंने टाइप कर दिया विन वर्ड. अब यहाँ पे आप ओके करें, देख सकते हैं ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है. इसे क्लोज करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लें. इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तीन तरीके से बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज पे आप अपना डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में उसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी TCA फुल कंप्यूटर कोर्स को हिंदी में फ्री में सीख सकें. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के नए नए वीडियोस आप हमेशा देखते रहें और DCA फुल कंप्यूटर कोर्स को बहुत ही आसानी से सीख सकें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें. बेल आइकन प्रेस करने से जब जब मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूंगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप नोटिफिकेशन के थ्रू सभी वीडियोस देख सकते हैं और DCA फुल कंप्यूटर कोर्स को हिंदी में आसानी से सीख सकते हैं. थैंक यू.